अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप वोकैब सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कवर करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम और एंटोनिम। ये हमारा लेक्चर 2 है। हम अब तक लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इडियम एंड फ्रेजेस को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। हमने उसके अंदर जाना था कि किस तरह से केवल स्टोरी कॉन्सेप्ट का यूज करके, हाँ जी, केवल और केवल स्टोरी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी भी तरह की वोकैब को सीख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ आज जुड़े हैं, मैं ये मानकर चलूंगा कि उन्होंने जो लेक्चर 1 था वो कंप्लीट देखा है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाइए लेक्चर 1 कंप्लीट देखिए, फिर लेक्चर 2 पर आना। क्लियर है? तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, हम किस चीज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। CISF हेड कॉन्स्टेबल में ऑप्शनल होता है कि आप हिंदी लो या इंग्लिश। जिन बच्चों ने इंग्लिश ले रखा है वो इस बैच को ज्वाइन करें, कंप्लीट इस सीरीज को ज्वाइन करें। जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का फॉर्म फिल किया है और उन्हें इंग्लिश जैसा पोर्शन में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, वोकैबुलरी में स्पेशली दिक्कत होती है, वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। SSC का कोई भी एग्जाम होता है जिसमें वोकैब आती है, आपको पता होगा कि आपके किस एग्जाम में इंग्लिश आती है और आपको किसकी तैयारी करनी है, तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करें। क्लियर है? हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक होगा। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, इस वीडियो को भी कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको एक मॉक मिलेगा जिसमें आप एक छोटा सा टेस्ट लगाओगे और आप खुद को जांचोगे कि हाँ, मैं 10 में से कितने मार्क्स लेकर आया। आप वो मुझे कमेंट करके भी बताओगे। और इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आप, ताकि आने वाली हमारी आगे की वीडियोस भी आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 जो हमारे ईडियम्स थे वो हम लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 16 ईडियम उठाएंगे, 16वां ईडियम। आई होप, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको 15 की 15 ईडियम आ गए होंगे और बहुत अच्छे से आए होंगे। नहीं आए तो लेक्चर को एक बार फिर से देखना। क्लियर है? तो आज का हमारा जो ईडियम है, 16वां ईडियम है, वो है बीट ब्लैक एंड ब्लू। देखिए, सारे ईडियम्स मैंने वही उठाए हैं जो पेपर में रिपीट हुए हैं। ये सारे ईडियम प्रीवियस ईयर के हैं, कभी SSC के एग्जाम में, कभी बैंकिंग के एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में, किसी न किसी बहाने से बार बार रिपीट हुए हैं। ये भी नहीं कि एक ही बार आया हो, और बहुत ईजी है। इनके पीछे की मैं ऐसी ऐसी स्टोरियां आपको बताऊंगा कि आपको एक बार देखना और माइंड में चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। ईडियम है बीट ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा सर, बीट का मतलब क्या होता है? मारना। समझेंगे चीजों को। देखो, आपके एग्जाम में आंसर तो नहीं होगा, चार ऑप्शन में से एक आंसर होगा, पकड़ना है आपको। क्वेश्चन तो होगा ना, सोचो क्वेश्चन तो होगा, तो क्यों ना हम एक ऐसा लॉजिक निकाल लें, कोई एक ऐसी ट्रिक निकाल लें कि क्वेश्चन में ही हमें आंसर दिख रहा हो। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा होगा। कैसे? ये बीट लिखा हुआ है, बीट का मतलब बीट मारना, बीट ब्लैक एंड ब्लू। एक बात बताओ, जब भी आपको पिटाई पड़ती है, आपका जो फेस है, वो चेहरा कैसा हो जाता है? सर, लाल हो जाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा मतलब मार पड़ती है, या बहुत ज्यादा आप कहीं गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा जब एक्सट्रीम लेवल पर वो चीज हो जाती है, तब जो आपकी स्किन है वो कैसी हो जाती है? ब्लैक एंड ब्लू। सभी ने फेस किया होगा, एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा इसके बाद नहीं होगा। कभी आप नीचे गिर जाते हो, बिल्कुल नील पड़ जाता है हाथ में, पैर में, ठीक है? वो क्या है? बीट ब्लैक एंड ब्लू। वहीं से हमने ये ईडियम बना दिया। क्या? बहुत बुरी तरह से पिटाई होना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकलेगा? अत्यधिक पिटाई करना। क्लियर है? बीट ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग क्या निकलेगा? अत्यधिक पिटाई करना। चलो जी, सारा क्लियर है। इंग्लिश में क्या है? बीटिंग, मतलब कि बहुत ही मतलब बिल्कुल निर्दयी होकर किसी को बहुत ज्यादा मारना, बहुत ज्यादा पीटना, तो आप उसके लिए इस ईडियम का यूज करोगे, बीट ब्लैक एंड ब्लू। आप इस इमेज को देखकर समझ गए होगे, ये एक रेसलर है, इसका यहाँ फेस देखना, ये कैसा हो गया? हाँ, काला नीला हो रखा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो रखा है। आप इस इमेज को देखते ही समझ जाओगे बीट ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा पिटाई करना। क्लियर है? बीट, देखो आपको बोलना है, मेरे लेक्चर में केवल आपकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आपको स्पीकिंग करनी है, आपको बोलना है, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप उन चीजों को कैच ही नहीं कर पाएंगे मेरे साथ, समझ रहे हैं? तो पहली चीज आपको स्पीक करना है, बोलना है। दूसरी चीज आपको नोट्स बनाने हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोई नोटबुक रखिए अपने साथ जिसमें इनको लिख रहे हो, नहीं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और अल्टरनेट निकाला है बच्चों ने, सजेस्ट किया था, नीचे आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। जितनी भी मैं आपको ये करा रहा हूँ वो कि इसकी कंप्लीट PDF फॉर्म, आपको हर एक लेक्चर की कंप्लीट PDF फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। पुलिसिया अकेडमी टाइप करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? होता क्या है इस चीज से, मैं क्यों इन चीजों पर हर लेक्चर में इंसिस्ट करता हूँ कि आपको नोट्स बनाने, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक नोट ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है? आप खुद से बनाइए, बहुत बढ़िया। नहीं हो पाता तो आप PDF लीजिए,
बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, दोस्त के साथ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रात को सोने से पहले बाबू सोना मोना को गुड नाइट और ये मैसेज करने से बढ़िया कि क्यों ना एक बार अपनी पीडीएफ देख ली जाए, समझ रहे हो, आपके एग्जाम में काम आएगा। ये चीजें आपको सोचनी है, इस तरीके से ही प्रिपरेशन करनी है। हम आपके लिए जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। पीडीएफ कंप्लीट, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। क्लियर हो गया भाई? बीट ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया, आप सभी को पता चल गया। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब इस तरह से पीटना कि वो काला नीला पड़ जाए और सभी को अपनी याद आ जाएगी, जिस दिन आपकी पिटाई हुई होगी या फिर जिस दिन आप गिरे होगे बहुत बुरी तरह से। क्लियर हो गया? बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, अत्यधिक पिटाई होना, बहुत ज्यादा बीटिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है बेल द कैट। देखो हर ईडियम के पीछे ना मैं एक स्टोरी आपको क्रिएट करके दूंगा, या तो वो रियलिस्टिक होगी नहीं तो इमेजिनेशन होगी। आपको ये मानकर चलना है सर ने ये बताया और यही सच है, यही परम सत्य है। आप बिल्कुल, आपको करना क्या, पीएचडी थोड़ना करनी है, आपको ये थोड़ना देखना है इसकी रियल स्टोरी क्या है या ये कहां से आया, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालो, नहीं। आपको याद करनी चीज है और मेरा पर्पस है आपको याद करा देना। क्लास में ही याद होता है, गारंटेड। अभी मॉक लगाएंगे इसी का एंड में, आप खुद बता रहे हो कि हाँ मेरा इतना स्कोर आया, ठीक है। बेल द कैट, इसके पीछे की स्टोरी क्या है बड़े ध्यान से समझना। एक टाइम था जिसमें क्या था, बहुत सारे चूहे वगैरह रहते थे, ठीक है। ये आप पिक देख रहे हो, बहुत सारे चूहे थे। तो होता क्या था, बिल्ली आती थी और चूहे को खा जाती थी। अब भाई इस डर से क्या था, चूहों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। तो उन चूहों में एक समझदार चूहा था, बड़े ध्यान से स्टोरी समझना। बहुत सारे चूहे थे भाई, बिल्ली जब मर्जी आती थी और उनको किसी भी चूहे को पकड़ा खा के चली जाती थी, चूहे परेशान। तो एक बहुत ही समझदार चूहा था जो बुजुर्ग था, जो कि देखो ये यहां दिख रहा है आपको, ये रहा। इस चूहे ने एक बात बोली, क्या बोला इस चूहे ने, बोला बेल द कैट, मतलब जो बिल्ली है उसके गले में घंटी बांध दो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। घंटी से याद आया, जो हमारा चैनल है पुलिसिया एकेडमी, उसको आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। क्लियर है? अब आते हैं अपने इस पर। बेल द कैट मतलब चूहे ने बोला कि इसके गले में घंटी बांध दो, बेल द कैट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि घंटी बांधेगा कौन, समझ पा रहे हो? अब आप किसी परेशानी में थे, मैंने आपसे बोला कि आप ये काम कर दो, क्वेश्चन ये उठता है करेगा कौन, बस उसी चीज से ये idiom बन के तैयार हो गया। क्या? बेल द कैट, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी परेशानी थी। अब उस परेशानी का सॉल्यूशन है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधो, जैसी बिल्ली आएगी घंटी बजेगी, पता चल जाएगा, सारे भाग जाएंगे, समझ रहे हो? लेकिन वो जोखिम का काम उठाएगा कौन, उस फर्स्ट स्टेप को कौन उठाएगा, ये क्वेश्चन बन गया। वहीं से हमारा बन गया क्या, idiom। क्लियर है? बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। क्लियर है? टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, आप अपने रिस्क पर किसी भी बिजनेस में। अब अपने आपने आपके दोस्तों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, अब उसमें दिक्कत ये आएगी कि भाई पहला रिस्क कौन उठाएगा। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे शुरुआत में तो उतार चढ़ाव आएंगे, जाहिर सी बात आएंगे। अब वो रिस्क कौन उठाएगा, ठीक है, वहां आप क्या यूज कर सकते हो, बेल द कैट। क्लियर हो गया? याद रहेगा बेल द कैट मतलब रिस्क कौन उठाएगा, उस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यहां से आया हमारा क्या, बेल द कैट, याद रहेगा। अगला देखते हैं, अगला idiom है बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। देखिए बहुत से, मैंने आपको क्या बताया था, idiom और जो फ्रेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये है आपका पार्ट वन और ये है आपका पार्ट टू। अब सर ये दो पार्ट्स क्या हैं? ये वाला जो पार्ट के idiom फ्रेज आते हैं ये सारे ऐसे होते हैं आपको पढ़ते ही आंसर पता चल जाएगा, कहने का मतलब जो कहावत होगी उसी में उसका आंसर लिखा होगा, पहला टाइप ये हो गया। क्लियर है? ये पहला टाइप, और ये वाले पेपर में आते हैं और कोई भी बच्चा गलत नहीं करता। इस idiom को पढ़ना, बिटवीन द डेविल मतलब राक्षस एंड डीप सी मतलब गहरा समुंदर, उसके बीच में फंस गए, मतलब हिंदी में बोले तो आगे कुआं पीछे खाई, वही बात है, सब कोई मीनिंग निकाल देगा इसका। तो क्या ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ? अगर हुआ और एग्जाम में आ गया तो आपने क्या वो कर लिया एक्स्ट्रा, सारे बच्चे सही कर रहे होंगे। आपको सही करना है ये दूसरे नंबर वाला, जिनके पीछे कुछ और स्टोरी होती है, मतलब जिनका मीनिंग कुछ और होता है, तो उनकी स्टोरी जो है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये था बेल द कैट, बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, ये आएगा आपके पेपर में, आप सही कर दोगे, आपको कहानी पता चल गई, बच्चे गलत कर रहे होंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो सेकंड टाइप वाले, इनके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी बना सकूं और स्टोरी ऐसी बनाऊं जो आपके idiom में ही दिखे, जैसे बेल द कैट तो उसी में आपको दिखेगी, वो पढ़ते ही स्टोरी समझ में आएगी, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी स्टोरी नहीं, ठीक है, बिल्कुल एक्सपीरियंस है मुझे, मैं उसी से ही ये सारी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है, टाइप वन वाला है ये। क्या बिटवीन मतलब बीच में, किस चीज के, डेविल और डीप सी, कहने का मतलब आगे को आप पीछे का ही, कहने का मतलब दो ऐसी गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंस जाना कि आप ऑप्शन ए को चूज करो तो जा रहे हो, ऑप्शन बी को चूज करो तब भी जा रहे हो। कब होता है ऐसा बताओ? हाँ,
शादी के टाइम, जब आपकी शादी की उम्र हो जाती है, करे तो फंसे, नहीं करे तो फंसे। क्लियर है सभी को? सभी समझ गए होंगे क्या है इसका मीनिंग? अगर मैं हिंदी की बात करूं, दो गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंस जाना। क्लियर है? बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो परेशानियों के बीच में फंस जाना, पढ़ने में ही आंसर निकल रहा है। क्लियर है? याद हो गया, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कहने का मतलब दो परेशानियों में फंस जाना। अभी आप मोक लगाओगे उसमें ये मिलेगा, तुरंत आंसर होना चाहिए आपका, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है बर्ड ऑफ पैसेज, बड़े ध्यान से सुनना, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, और ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे होते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैक्सिमम बच्चे, अगर 100% हुआ तो उसमें से मुश्किल से 30 या 20% ही बच्चे होते हैं जो इस ईडियम का सही जवाब देते हैं, मैक्सिमम गलत होता है, इसीलिए ये बार बार पेपर में रिपीट होता है। पेपर में वही चीजें तो रिपीट होती है जो आपकी मैक्सिमम गलत रहती है, ताकि उसको दोबारा डालो। मतलब पेपर गलत करा आपने, ये मैक्सिमम बच्चों ने गलत करा, इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा था, सबने सही कर दिया, वो दोबारा आने के चांसेस कम है। ये स्किल समझनी आपको, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि बर्ड ऑफ पैसेज इसका मतलब क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, उसको समझेंगे, उसके बाद आएंगे इस पर। ये बिल्कुल कभी कभी आने वाला पर्सन, मतलब आपका ऐसा मेहमान जो बहुत कम आता हो। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन जब मेरे पेपर में ये आएगा बर्ड ऑफ पैसेज, तब मैं कैसे समझूंगा इस चीज को, बड़े ध्यान से समझना। हम जब बात करते हैं किसकी, साइबेरिया की, साइबेरिया एक कंट्री का नाम है, आप जितनी भी ये एशिया के ऊपर जितनी भी कंट्रीज वगैरह आप जब इनकी बात करते हैं, तब एक बहुत ही फेमस, मतलब ये रियलिटी है, ये कोई फेक नहीं है, एक रियल कहानी है, उसी पर ही बेस्ड ये मैंने इसको ले लिया है, बर्ड ऑफ पैसेज। इसका मतलब क्या है, साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे इंडिया में, जो साउथ है, दक्षिण में है, जो जो हमारा साउथ इंडिया है वहां आते हैं, कब पलायन करके आते हैं, बड़े ध्यान से समझना। साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं, आप गूगल करोगे तब भी मिलेगा, साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, वो बर्ड्स क्या करते हैं भाई, वो यहां से पलायन करके यहाँ आते हैं साउथ में। क्या वो हर बार आते हैं, क्या वो हर महीने आते हैं, आपसे क्वेश्चन है, क्या वो हर महीने आते हैं, आप बोलोगे नहीं सर, कब आते हैं, वो सीजन पर आते हैं, कभी कभी आते हैं, हमारा आंसर आ गया। बर्ड मतलब पक्षी, कौन से पक्षी, साइबेरियन, ठीक है, आप देखना गूगल करना मिलेगा, साइबेरियन। और पैसेज मतलब कभी कभी आने वाला, बर्ड्स ऑफ पैसेज, ऐसा पैसेज, ऐसे बर्ड्स जो कभी कभी आते हो, मतलब बहुत ही बिल्कुल ओकेजनली आते हो। तो यहीं से हमारा ईडियम तैयार हो गया, स्टोरी याद हो गई, साइबेरियन बर्ड्स जो साइबेरिया से आते थे, कहाँ आते हैं, साउथ इंडिया में आते हैं हमारे, क्लियर है, और ये सीजन में आते हैं, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ पैसेज। अब इसका मीनिंग समझते हैं, क्या था इसका मीनिंग, बड़े ध्यान से देखना, बर्ड्स ऑफ पैसेज क्या मीनिंग निकलेगा, यदा कदा आने वाला, मतलब कभी कभी आने वाला। मैंने भी तो यही समझाया, वो जो साइबेरियन पक्षी थे वो कब आते थे, कभी कभी तो आते हैं, सीजन में आते हैं, वो अक्टूबर वगैरह के इन महीने में आते हैं, मार्च वगैरह में वो वापस चले जाते हैं, वापस वहीं चले जाते हैं, क्लियर है। तो क्या था इसका, यदा कदा आने वाला, कभी कभी आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली, बिल्कुल जो कभी कभी आता हो, आपके घर में मेहमान, ठीक है, आपके फूफा जी कभी कभी आते हैं, तो वो, क्लियर है, आप उनको बोल सकते हो बर्ड ऑफ पैसेज। आपका कोई दोस्त जो आप बिल्कुल ईद का चांद हो गया, बिल्कुल ना आता हो, तो वो आपके पास कभी आ जाता है, तो आप उसको बोलोगे भाई तू तो बर्ड ऑफ पैसेज हो गया, क्या हो गया, बर्ड ऑफ पैसेज हो गया, कभी कभी आता है, क्या बात है भाई, कहाँ पूरे दिन रात गप्पे लगाता था, समझ रहे। तो इस तरह से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, और रिलेट करने का मीनिंग क्या है, क्यों रिलेट कर रहे, ताकि हमारे एग्जाम कवर हो, अगर हमारे एग्जाम में आ रहे तो हमें मार्क्स मिल जाए, बस यही हमारा पर्पस है, यही है, इसीलिए इसके पीछे स्टोरी बनाई, स्टोरी को अपने खुद से रिलेट किया और खुद में भी समझा। क्लियर हो गया, बर्ड ऑफ पैसेज का मीनिंग क्या है, कभी कभी आने वाला, क्लियर है। अगला देखते हैं, आपको बोलना है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको बोलना है, क्लियर है, बोलने से ही बोलना आएगा। अगला क्या है, बर्ड्स आई व्यू, सर मेरे पेपर में आ गया बर्ड्स आई व्यू, अब मैं इसको देख के आंसर कैसे निकालूंगा, बड़े ध्यान से देखना, आंसर इसी में छुपा हुआ है, कहाँ है, बर्ड्स मतलब पक्षी, ठीक है, आई मतलब आंख, बड़े ध्यान से समझना, व्यू मतलब नजारा, बहुत ध्यान से समझना, बर्ड्स आई व्यू मतलब अगर आप अपनी नजरों से देखो तो आपको क्या दिखेगा, मुझे सामने कैमरा दिख रहा है, सामने टीम दिख रही है, समझ पा रहे हो, लेकिन अगर मैं बर्ड्स की आई व्यू से देखूं तो पक्षी कहाँ होते हैं, आसमान में, ऊपर से देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा नजारा मिलेगा, ये देखो मतलब क्या है, मुझे कैसा दिख रहा है, क्या मुझे केवल ये लैपटॉप दिख रहा है, ये मुझे सामने कैमरा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, मुझे बर्ड्स आई व्यू में ओवरऑल व्यू दिख रहा है, समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया। बर्ड्स आई व्यू, पक्षियों का जो आई व्यू होता है, पक्षियों का जो नजारा होता है, पक्षियों के देखने का जो तरीका होता है, उनको क्या दिखता है, उनको सारी चीजें एक साथ दिखती है, क्या आपने फील किया है, फील करो, सारे सारे फील करो कि अगर आप पक्षी होते, आसमान में उड़ रहे होते, तो आपको नजारा कैसा दिखता नीचे का, समझ पा रहे हो, कैसा दिखता, ओवरव्यू दिखता आपको, सबके मकान दिख रहे होते सारा, जब आप 10वीं मंजिल 20वीं मंजिल से नीचे देखते हो कैसा दिखता है, बर्ड्स आई व्यू दिखता है, कहने का मतलब क्या दिखता है आपको,
ओवरव्यू दिखता है, कंप्लीट ओवरव्यू। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए ऑफिस में एक काम दिया किसी एम्प्लॉय को, अब उसको ये बोला गया कि आप इसका पूरा ओवरव्यू लेकर आओ, तो वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या, बर्ड्स आई व्यू, गो थ्रू फ्रॉम बर्ड्स आई व्यू। कहने का मतलब बर्ड्स आई व्यू, आप उस मतलब ओवरव्यू इसका करके आओ एक बार कंप्लीट, एक बार फिर से इसको चेक करके आओ, यहाँ ये चीजें यूज होती हैं। हम आगे प्रैक्टिस में भी लेकर आएंगे, जब मैं आपकी वीकली इसका टेस्ट लिया करूंगा तब मैं इनको सेंटेंस के अंदर डालूंगा, आपको वहां चेक करना है। फिलहाल आपको ये लर्न करनी है चीजें, साथ बने रहो, चीजें इतनी बेहतरीन होंगी, मजाक मजाक में देखते देखते 15-20 दिनों के अंदर अंदर आप 400-500 वो क्या याद कर गए होंगे, डेफिनेटली याद कर गए होंगे। बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू, क्लियर हो गया। अगले पर चलते हैं, बोलना है, एक कंडीशन है बस आपको बोलना है। नोट्स का तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, मैं ही आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, जेरोक्स निकालो नहीं तो फोन में रखो, बस में जा रहे हो तो देख लो, बाबू सोना मुना कर रहे हो तो देख लो, एक उसको भी भेज दो पीडीएफ, समझ पा रहे हो, एक उसको भी भेज दो। चैटिंग करने की जगह पता है क्या बातें करो, चैटिंग करने की जगह उससे बोलो कि बर्ड्स आई व्यू इसका मीनिंग बता, ठीक है, और उसने बता दिया फिर वो आपसे पूछेगी बर्ड ऑफ पैसेज का मीनिंग, और आप बता नहीं पाओगे, वहां आपको इंसल्ट फील होगी और फिर आप इसको याद करोगे, तरीका निकला ना, समझ गए क्या था अपना बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब ओवरव्यू। क्या आपको चीजें क्लियर है, अगले पर चलते हैं। अपना टारगेट एक ही है भाई, अपने को एग्जाम क्लियर करना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो क्या, मैं आपकी एक नंबर करा दूंगा, बने रहो। अगला क्या है, बर्ड्स ऑफ फेदर, अब बड़े ध्यान से देखना मैं ये फेदर की बात क्यों कर रहा हूँ और इसमें ये पिक क्यों डाली है। एक बात बताओ, अगर मैंने ये पंख आपको दिखा दिए, केवल आपको देखना है, अभी आपको ये चीजें नहीं देखनी, अभी आपको केवल इसको समझना है, मैंने आपको ये पंख दिखाए, अब मैं आपसे पूछूं बताओ ये पंख कौन से जानवर के हैं, ठीक है, या ये कौन कौन से जानवर के हैं, तो आप एक ही बात बोलोगे, सर जी मजाक कर रहे हो क्या, ये जितने भी ये पंख हैं मुझे नहीं पता ये कौन से जानवर के हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ही जानवर के हैं या एक ही नस्ल के हैं, क्या मेरी बात आ रही है समझ में। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप इन पंखों को देखकर बता दोगे सर ये एक ही नस्ल का पक्षी है, कोई सा भी पक्षी हो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये एक ही नस्ल का है। आप देखते होगे आपके घर में कबूतर होते हैं, कौवे होते हैं, उनके काले कलर के पंख होते हैं, तो सभी कौवे के काले ही होते हैं ना, इससे क्या मीनिंग निकला, इससे ईडियम क्या बना, ईडियम यही बना बर्ड्स ऑफ फेदर, मतलब ऐसे लोग जो एक ही प्रवृत्ति के हों, आपकी संगत, आपके दोस्त कैसे हैं, जैसा आपको चाय पसंद है आपके दोस्तों को भी पसंद होगी, अगर है तो, अगर उसे भी पसंद है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बर्ड्स ऑफ फेदर, मतलब हम एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारी थिंकिंग एक ही है, समझ पा रहे हो, वहां पर आप इसका यूज कर रहे होगे, क्या बोलोगे आप, एक ही प्रवृत्ति के लोग, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पीपल विद द सेम आइडिया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट और आपके किसी दोस्त का इंटरेस्ट सेम है, अगर वैसे समझे तो आपका इंटरेस्ट और आपके साथी का इंटरेस्ट सेम है, तो आप क्या बोलोगे बर्ड्स ऑफ फेदर, अपने घर वालों को बोलोगे मम्मी मेरा इंटरेस्ट और भाई साहब का इंटरेस्ट सेम है, क्या है बर्ड्स ऑफ फेदर, क्लियर है, याद हो गया। देखो हमें याद करना है, जितना हंसी मजाक से जितना मैं इस चीज को एक अच्छा बना सकूं उतने बनाने की कोशिश करता हूँ। बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स मतलब पक्षी, उनके पंख कैसे होने चाहिए, मतलब आप देखते ही समझ जाओगे, हाँ सर ने बताया था कि एक ही जैसे तो होते हैं, एक ही नस्ल के होते हैं, एक ही थिंकिंग के होते हैं, तो बस वहीं से मेरा आंसर निकल के आ गया, क्या बर्ड्स ऑफ फेदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, क्या क्लियर हुआ। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये बहुत बार आया, 3-4 एग्जाम्स में तो मैंने ही देख लिया है, तो सारे प्रीवियस ईयर है, एक भी ऐसे नहीं उठाया कि कुछ भी उठा लो और स्टोरी बना दो ना, सारा प्रीवियस ईयर है सारा, और रिपीटेड प्रीवियस ईयर है, ये भी नहीं कि एक ही बार आया हो, रिपीटेड है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, ब्लैक शीप, देखो इसको देखने से तो मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन अभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा आप तुरंत इसका मीनिंग बता रहे होगे। ब्लैक शीप मतलब, ब्लैक मतलब काला, शीप मतलब भेड़िया। अब एक बात बताना, ब्लैक शीप, एक बात बताओ, ये जो भेड़ होते हैं, जितने भी ये भेड़ है ये सारी कैसी हैं, वाइट, सारी वाइट है, क्या इसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको, हाँ आप बोलोगे हाँ सर ये वाला जो है ना ये ब्लैक है। कहने का मतलब क्या है, ये सभी व्हाइट कलर के हैं, तो इनके बीच में काला वाला ये आ गया, काला भेड़िया आ गया, तो क्या ये इन चीज को, इसको अलग कर देगा ना, मतलब ये अलग दिख रहा है ना, इसमें अलग हो गया, कहने का मतलब सारे व्हाइट थे ये ब्लैक आ गया, ये एक तरह से धब्बा लग गया, जैसे चांद पे क्या होता है, चांद पे आप बोलते हो दाग होता है चांद पे, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरह से क्या है, वो ब्लैक शीप ही तो है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या है, कहने का मतलब ये ईडियम हमारा निकला और इसकी स्टोरी निकली, क्या समझ में आया, एक बात समझ में आई सर, ऐसा व्यक्ति जो परिवार, आपकी फैमिली में या फिर आपकी टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए, तो आप उसे क्या बोलोगे, ब्लैक शीप, आप बोल सकते हो ही इज ब्लैक शीप इन अवर टीम, ये हमारी टीम में ब्लैक शीप है। कहने का मतलब कोई बंदा हो, मान लीजिए आप किसी टीम में है और वो बंदा चीटिंग करता हो,
है, और वो बहुत फेमस हो गया और उसकी वजह से आपकी टीम बदनाम हो रही है, तो आप बोलोगे ब्लैक शीप, मतलब इस बंदे की वजह से हम सारे शर्मिंदगी को झेलते हैं कहीं ना कहीं। इस इमेज को देखो, और इस इमेज में ये जो ब्लैक वाला ये शीप है, ये इसको ही इस पे नजर जाकर तो ये सारे कहीं ना कहीं बदनाम हो रहे हैं पूरे ग्रुप में कि ये ब्लैक वाला क्या कर रहा है। समझ में आ रही है बातें? कहानी से रिलेट करके चीजें अपने आप माइंड में आएंगी। ब्लैक शीप मतलब ऐसा व्यक्ति, ब्लैक शीप देखते ही ध्यान रखो, ब्लैक लेकिन होते तो व्हाइट है, ये ब्लैक आ गया, इसका मतलब बदनाम, शर्मिंदगी का कारण। क्लियर हो गया? ब्लैक शीप याद हो गया, बहुत बढ़िया। अगला, आपको बोलना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बोलना है, बोलना है, बोलना है। अगर आप बोल बोलकर इसको याद कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बोल के याद कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद होंगी। बोलना है आपको, जितना मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एक ईडियम को 5-5, 10-10 बार बोल रहा हूँ ताकि आप सुन सको और आपके माइंड में, आपके कानों में वो 10 बार आवाज जाए। तो कहीं ना कहीं जब पेपर की स्क्रीन पर आपके ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन देखते समझोगे, हाँ सर ने बताया था ब्लैक शीप, हाँ कई सारे भेड़ के बीच में काला, मतलब कि शर्मिंदगी का कारण, देखते ही टिक करोगे आंसर ये। लो जी, समझ पा रहे हो बात को क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत ही लॉजिकल बातें करूंगा मैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ब्लाइंड एली। अच्छा, ये एली क्या होता है सर? इसका मतलब होता है गली। अब तो आप बता ही दोगे, ये तो हो गया गाली, बट गाली इट्स गली। क्लियर है? ब्लाइंड एली मतलब क्या होता है? गली। कैसी गली? ऐसी गली जो ब्लाइंड हो। ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है? ब्लाइंड मतलब एक तो होता है अंधा, एक ब्लाइंड का मतलब अगर हम समझें और देखें तो ये भी तो बोल सकते हैं बंद। तो पर ऐसी मैं आपको बोलूं ब्लू, BLUE, ब्लू का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर नीला, नहीं, ब्लू का मतलब आसमान भी तो होता है। क्या समझ पा रहे हो? ईडियम होते क्या है, ये कहावतें रिलेट ही तो करी जाती हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे कि सर ये ईडियम और फ्रेज होता क्या है, तब हमें समझ में आएगा कहीं ना कहीं किसी चीज को रिलेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है आपस में। वही क्या होता है ईडियम और फ्रेज। ब्लू का मतलब किससे दर्शाया जाएगा? आसमान से, ठीक है? एली मतलब गली, ब्लाइंड मतलब अंधा नहीं, ब्लाइंड मतलब बंद, ब्लाइंड मतलब बंद। कैसी गली? बंद गली। एक बात बताओ, सबके साथ हुआ होगा, मुझे पता है, मेरे साथ भी हुआ है। जब भी आप कई बार जा रहे हो किसी ऐसी अनजान गली में चले गए और काफी लंबी गली है, गए 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 गए, लेकिन जब एंड में जाओगे आप देखोगे रास्ता बंद है, ये आपकी गली थी और ये रास्ता बंद है, आप इस गली में चले गए। अब जैसे आप यहाँ पहुंचे, मतलब यहीं से आप देख लोगे कि सामने गली बंद है, फिर आप आगे जाओगे? आप बोलोगे नहीं जाऊंगा। बिल्कुल आप जाओगे, आप ये देखोगे कि सर कहीं दाएं बाएं से तो छोटी सी गली नहीं जा रही। आप ये देखते हो, आप ये देखोगे दाएं बाएं से छोटी सी गली तो नहीं जा रही। सबके साथ हुआ है, सभी मानते हैं इस बात को। तो मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका मीनिंग भी वही है। ब्लाइंड एली का मतलब क्या? लेकिन आप आगे जाके देखते हो कोई दाएं बाएं गली होती है? नहीं होती, मतलब वो गली बंद, आपको वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो यही इसका एग्जाम्पल निकलता है, ये देखो गली और ये सामने है पूरी बंद गली। क्लियर है? ब्लाइंड एली मतलब बंद गली, इसका मतलब आप किसी गली में गए जो बंद है। कहने का मतलब आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें आगे कोई प्रोग्रेस ही ना हो और सामने वाला समझा रहा है कि सर इस काम को मत करिए, आगे इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोचिंग खोला ऑफलाइन, अब ऑनलाइन का टाइम हो गया, हमने भी ऑनलाइन स्विच कर दिया, ठीक है? तो ऑफलाइन खोला तो मुझे आगे कोई सजेस्ट करेगा, मेरा स्टूडेंट, सर आप ऑफलाइन कोचिंग मत चलाइए, ऑनलाइन चलाइए, क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग है वो क्या है? ब्लाइंड एली, आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर नहीं। समझ पा रहे हो एग्जाम्पल को, रिलेट कर पा रहे हो? ब्लाइंड एली, एली मतलब गली। कैसी? ब्लाइंड मतलब अंधा नहीं, ब्लाइंड मतलब बंद। ब्लाइंड एली मतलब बंद गली, तो इसका क्या निकलेगा? अपना कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो। क्या याद हुआ? देखो ये तो इसके मीनिंग है, अगर आप देखोगे ना इडियम फ्रेज को तो आपको ये चीजें रटवाई जाती हैं, ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक काम कर रहे हैं, इडियम को देख रहे हैं, उसकी एक कहानी जो रियल है, कहानी ये ले लीजिए मैक्सिमम रियल है, उसको रिलेट कर रहे हैं, उस रूट को उठाकर लेकर आ रहे हैं, तो चीजें हमारे माइंड में अपने आप बन जा रही हैं। आपको मैं ये एक्सप्लेनेशन तो एंड में बताता हूँ, उससे पहले कहानी बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में खुद बन जाता है। बनता है या नहीं बनता है? बनता है, बिल्कुल बनता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ब्लाइंड एली मतलब ऐसा काम जिसमें आगे प्रगति ना हो, आगे पॉसिबिलिटी ना हो, ब्लाइंड एली। क्लियर हो गया? याद हुआ सभी को? ब्लाइंड एली ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो, आगे कोई प्रोग्रेस ना हो, उसे आप बोलोगे ब्लाइंड एली। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं, बाइट द डस्ट। डस्ट क्या? धूल। अब इसका मतलब क्या? धूल चटा देना। बड़े ध्यान से देखना, इस पर्सन को क्या कर दिया इसने? धूल चटा दी। अब हम बोलते नहीं है अबे मैं तो तेरे को धूल चटा दूंगा, सुना है बच्चों की जब लड़ाइयां होती है, मैं तेरे को धूल चटा दूंगा, मैं
मैं तेरे को नानी याद दिला दूंगा। तो वो जो धूल चटा देने का मतलब क्या है, मैं तेरे को हरा दूंगा, ठीक है। तो ये वही मीनिंग निकल कर आ गया, बाइट द डस्ट का मतलब क्या है, पराजित होना, टू बी डिफीटेड, हार जाना। समझ पा रहे हो, चीजें रिलेट हो रही है, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, पराजित होना, हार जाना, क्या याद हुआ, ठीक है। बाइट द डस्ट का मतलब क्या है, डिफीटेड, पूरी तरह से पराजित हो जाना। आप किसी को हरा देते हो तो आप बोलोगे मैं तो उसको धूल चटा दूंगा, आ जा मेरे से कर ले सिंगल सिंगल, धूल चटा दूंगा। और फिर देख रहे होगे आगे उसकी पूरी फौज और आप अकेले खड़े हो गए, तब भी बोलोगे मैं धूल चटा दूंगा। क्या बोलोगे आप, बैट द डस्ट, ठीक है, डस्ट चटा दूंगा। कहने का बोलो मैं तेरे को हरा दूंगा, आप कहीं ना कहीं यही तो कहना चाह रहे हो। बचपन में आप सभी ने बोला होगा तेरे को धूल चटा दूंगा, आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या आप उसको धूल चटाना चाह रहे हो, नहीं, आप उसको हराने की बात कर रहे हो कि आजा मैं तेरे को हरा दूंगा। तो वही तो निकल के आया है, आजा मैं तेरे को हरा दूंगा, ये वहीं से निकल कर आया है, क्या पराजित होना, ठीक है। धूल चटाने का मतलब है हरा देना। क्या चीजें क्लियर हो रही है, कहानी समझ में आ रही है और ये रिलेट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अभी कंप्लीट एक रिकॉल कराऊंगा, इसका आपको सारे याद हो जाएंगे, सारे याद होंगे। ब्लाइंड डेट, सबको अपना अपना याद आ गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये है क्या, डेट तो सारे समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे जो, वो इस इमेज को देखकर समझ गए होंगे, सारे सारे शैतान है यहाँ, एक भी शरीफ नहीं है, एक भी, सारे शैतान है। अब देखो डेट तो सारे समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब देखो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है। अब सर ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ठीक है। आप बोलोगे सर ब्लाइंड का मतलब होता है बंद, ठीक है, और कुछ भी मीनिंग होता है ब्लाइंड का, बिल्कुल होता है। क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, ब्लाइंड डेट, डेट का तो मतलब समझ गए होगे। देखो डेट का मीनिंग क्या होता है, डेट वर्ड को ना हम सबने बहुत ही गंदा एक तरह से बना दिया, सोसाइटी ने बना दिया। डेट का मीनिंग होता है जब आप किसी पर्सन से मिलते हो, एक मीटिंग फिक्स करते हो। कैसी मीटिंग, क्या उसको मीटिंग बोलेंगे, नहीं, मीटिंग हो जाता है ऑफिशियल मीट, दैट इज कॉल्ड मीटिंग, क्लियर है। लेकिन आप जब किसी अपने कलीग से मिलते हो, किसी फ्रेंड से मिलते हो, समझ पा रहे, उसको हम बोलते हैं डेट, ठीक है। तो हम ये भी यूज कर देते हैं कि मैं उसको डेट कर रहा हूँ, डेट कर रहा हूँ मतलब हम मिल रहे हैं आपस में। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं, आपने देखा होगा ये जो बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह, तो इनकी लिख कर आता है कि वो इसको डेट कर रही है, वो इसको डेट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, वो आपस में मिलजुल रहे हैं, समझ पा रहे हो। नेगेटिव नहीं है, सोसाइटी गलत बना देती है चीजों को, चीजें गलत नहीं होती, क्लियर है। डेट का मतलब क्या है, मिलना, एक मीट, मीटअप करना, ठीक है, वो क्या है, डेट। अब मुद्दा ये उठता है, सर आपने डेट तो बता दिया, डेट हमें समझ में आ गया, अब ये है ब्लाइंड डेट क्या होता है। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या है, ब्लाइंड डेट बड़े ध्यान से समझेंगे, ब्लाइंड डेट क्या होता है। देखो अब ये पर्सन था, इसने इससे मिलना शुरू किया, क्या पहली बारी में मिल लिए होंगे और डेट शुरू हो गई, नहीं, कहीं ना कहीं से मिले होंगे। अगर ये इस बंदे को नहीं जानता था, आजकल क्या चल रहा है, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका ये बहुत सारे सोशल मीडिया, कहीं से इसको नंबर मिला, किसका, इन मोहतरमा का, क्लियर है। अब इनको इनका नंबर मिल गया, अब इन्होंने चैटिंग शुरू कर दी, आप भी करते होंगे, सारे करते होंगे। अब चैटिंग शुरू कर दी, अब आपने प्रपोज करा कि क्या हम मिले, और सामने वाला भी कन्विंस हो गया कि हाँ मिलो। बड़े ध्यान से समझना, कुछ मजाक नहीं है, पेपर में आए हुए ये सारे, ठीक है। सामने वाले पर्सन ने बोला हाँ श्योर मिलते हैं, चलो आप फटाक से बस कोट पैंट पहना, मस्त सेंट वेंट लगाया और आप चले गए, ठीक है। आप गए उससे मिले, क्या आप उससे पहले कभी मिले थे, एक सवाल आपसे, क्या पहले कभी मिले थे, आप बोलोगे नहीं सर पहले तो कभी नहीं मिले, बहुत बढ़िया। अगर आप उससे कभी नहीं मिले तो आप बोलोगे सर मैं डेट पे गया था, मैं बोलूंगा गलत, पागल, तू डेट पर नहीं, तू ब्लाइंड डेट पर गया था। कहाँ गया था, ब्लाइंड डेट, कहने का मतलब तू उस समय कैसा बन के गया था, अंधा बन के, नहीं, उस समय तुम अनजान थे, आप जिस डेट पर गए आप अनजान थे। तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड का एक ये भी तो मीनिंग निकल रहा होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ब्लाइंड का एक ये भी तो मीनिंग निकल रहा होगा, अनजान, क्लियर है। तो यहां से हमें समझ में आया ब्लाइंड डेट मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, क्या ये इडियम याद हो गया, बिल्कुल भी, मतलब आपको ना मैं एक्सप्लेनेशन तो बता ही नहीं रहा, मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ तो आप वहां से समझ जा रहे हो। आप फटाक से गए किसी अनजान बंदे से मिलने और आप मेरे से आके बोलोगे सर मैं डेट पे गया था, मैं बोलूंगा ना तू कहाँ गया था, हमारे 25वें क्वेश्चन के पास गया था तू, ब्लाइंड डेट पर गया था, किसी अनजान व्यक्ति से मिलने गया था। तो क्या निकला सारे बोलो, ब्लाइंड डेट का मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट का मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ये हम 25 EDM कर चुके हैं, क्लियर है, 25 कर चुके हैं, इन 25 में से ही एक दो आपके एग्जाम में दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो जो चार ऑप्शन होंगे ना ABCD, उन चार में से किसी ना किसी में इसका मीनिंग दिख जाएगा। आप 25 EDM नहीं, आप कहीं ना कहीं 100 को तैयार कर चुके हो, समझना। ये चीजें भी समझाऊंगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और किस तरह से आपकी तैयारी को मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। कम से कम समय में आप कम से कम चीजों में बहुत ज्यादा कवर कर दो,
क्लियर है, यहीं से एग्जाम्स आपके निकलेंगे। क्लियर हो गया? ब्लाइंड डेट सभी को समझ में आया? अगला समझते हैं, ब्लू ब्लड। अब इन मोहतरमा को देखो, ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ब्लू ब्लड ब्लड का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछूं सर ब्लड, आप बोलोगे रेड। क्यों? आप बोलोगे सर जो हमारा खून होता है वो तो लाल रंग का होता है, लेकिन आपने इस ईडियम में क्यों लिख दिया ब्लू ब्लड, नीला खून? इसके पीछे बहुत ही फेमस कहानी है। क्या कहानी है, बड़े ध्यान से समझना। हम जाते हैं कहां बैक, कब? 1997 देश आजाद, और पीछे जाओ 1847, ठीक है, सॉरी 1947 1847। कहने का मतलब मैं आपको लेकर गया 100-200 साल पुराना पीछे। तो इंडिया में क्या चल रहा था? इंडिया गुलाम था। किसका शासन था? अंग्रेजों का। बहुत बढ़िया, बस आपको वही फील करना है। फील करो, अब क्या फील करना है? आप अंग्रेजों की चमड़ी देखते हो तो कैसी होती है? देखो इन मोहतरमा की, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल। जब ये धूप में खड़े होते थे तब क्या होता था, इनका जो ब्लड होता ना, जो इनकी नसें होती हैं, वो कैसी दिखने लगती थी? नीले रंग की। हमारी हरी दिखती है, ध्यान से देखो, काले हैं अपन, अपन क्या है भाई, ब्लैक है, ठीक है। तो हमारी जो नसें होती है वो तो दिखती नहीं है, दिखती है तो ब्लैक ग्रीन, ठीक है। लेकिन ये जो अंग्रेज होते थे, इनकी जो नसें होती थी कैसे रंग की दिखती थी? ब्लू। कैसे दिखती थी भाई? ब्लू। आज भी है, यानी कि सर जब भी था, जब ये ईडियम बन गया और आज नहीं होगा ऐसा, आज भी है। आप किसी अंग्रेज को ध्यान से देखोगे, जब वो धूप में खड़ा होता है, तो जो उसकी नसें हैं वो नीले रंग की दिखने लग जाती हैं। कैसी दिखती हैं? ब्लू कलर की। उनकी जो नसें हैं वो कैसी दिखती हैं? ब्लू कलर की दिखती हैं। क्या बात क्लियर हुई? अब सर यहां से क्या मीनिंग निकलता है, बड़े ध्यान से समझना। ब्लू ब्लड मतलब नीला खून। कहने का मतलब क्या था, हमारे जो इंडियंस थे वो बहुत भोले वाले थे, आज भी हैं, आज भी आप कितने शरीफ हो, ठीक है। तो इंडियंस बहुत भोले वाले थे। उन्होंने देखा, उन्होंने एक बात पाई कि जितने भी लोग हैं जो हम पे शासन कर रहे हैं, इन सब की जो खून है, इनकी जो नसें हैं वो नीले रंग की हैं। कहने का मतलब इनकी नसों में नीला खून दौड़ता है। क्या बात आ रही है समझ में? एक रियलिस्टिक वो है, जो एक भ्रम बना हुआ था, उनको लगता था कि भाई ये हम पर राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा खून तो लाल होता है, इनका खून होता है नीले रंग का। और ऐसी अफवाह बनी क्यों? क्योंकि उनकी चमड़ी गोरी होती थी और वो धूप में चमक के नीले रंग की दिखती थी। गूगल पे देखना, आपको अभी भी इसकी पिक्चर मिलेंगी आपको। क्या बता रहा हूं मैं आपको, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब नीला खून। तो हम इंडियंस को क्या लगता था, ये बंदा कौन है? ये रॉयल बंदा है, राजा है, ये हम पे शासन कर रहा है। ये कैसा बंदा? ये शाही व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? शाही व्यक्ति है। बस वहीं से ये ईडियम आ गया, ब्लू ब्लड। अगर कोई भी बंदा शाही है, ठीक है, जैसे कि तैमूर, ठीक है, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो हो गए। अब जैसे ब्रिटेन की महारानी, तो आप उनके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ब्लू ब्लड। क्या यूज करोगे? ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति। क्या हो गया? ब्लू ब्लड। क्लियर है? आपको याद रहेगा ब्लू ब्लड। आप बोलोगे सर नीले खून से कैसे? मैंने कहानी बताई है, अंग्रेजों का खून नीला होता था, ये हम पहले समझते थे कि उनका जो खून है वो नीले रंग का होता है, क्योंकि उनकी नसों में नीला नीला दिखता था, हमारा हरा दिखता है, लाल खून होता है, क्लियर है? लेकिन होता तो लाल ही खून था, लेकिन ये भ्रम चल गया था। तो वहां से ये ईडियम निकला था, ब्लू ब्लड का मतलब शाही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रॉयल है, ठीक है, राज घराने से ताल्लुक रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे अभी? बहुत बढ़िया, शाही व्यक्ति। अब आप इस वर्ड का यूज कहां कर सकते हो? ब्रिटेन की महारानी के लिए वो तो कर ही सकते हो, और आप किस लिए कर सकते हो? रात में गुड नाइट का मैसेज भेजने की जगह एक ये मैसेज भेज देना, क्या? ब्लू ब्लड, आप तो ब्लू ब्लड हो, क्लियर है? बस वही काम बन जाएगा आपका, ठीक है, कृपा वहीं पे बरसने लगेगी। क्या बोलोगे? ब्लू ब्लड। आपको ईडियम याद हो जाएगा, आपको इनको डेली लाइफ में यूज करना है, किसी के भी साथ यूज करो, डेली लाइफ में इनको उतार दोगे ना, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं ईडियम्स की नॉलेज हो जाएगी। अभी हम वन वर्ड पर आएंगे, तो पूरा सेंटेंस बोलने की जगह उस वन वर्ड का ही यूज करोगे, ठीक है, बताऊंगा अभी आगे की चीज आएंगे, अभी हम ईडियम पे ही फोकस करेंगे। याद हो गया, 26 ईडियम आप याद कर चुके हो ब्लू ब्लड के साथ। अगला देखते हैं, अगला ईडियम है ब्लू बुक। अच्छा सर आप इसको समझाओ क्या है, अगर हम वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न मतलब अमेरिका आपका, ब्रिटेन वगैरह इनमें, तो इनकी जो सरकारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, कहने का मतलब सरकारी जो बुक्स होती है, वो कैसी होती है? ब्लू कलर के जिल्द में होती थी, ये कुछ इस तरह। और ये जो idioms फ्रेज है इंग्लिश के, भाई हमारे idiom फ्रेज कैसे होते हैं, समझो बात को। इंडियंस के idiom फ्रेज होते हैं नाचना जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहने का मतलब क्या है, हमारे idiom फ्रेज में क्या होता था, हमारे idiom फ्रेज में होता है अदरक, बंदर, ये मिलते हैं। अगर हमारे मुहावरे की बात करें ये मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फॉरनर्स की, क्योंकि इंग्लिश के मुहावरे हैं, और इंग्लिश किसकी है, इंडियंस की नहीं, ब्रिटिशर्स की।
तो कहीं ना कहीं जो मुहावरे होंगे ये वहीं से रिलेट कर रहे होंगे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो मुहावरे कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट कर रहे होंगे, तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट चलकर आता है क्या? ब्लू बुक मतलब वहां की जो बुक्स होती, मतलब जो नीले जिल्द में बुक होती थी वो सरकारी बुक होती थी, गवर्नमेंट की, उसमें रिपोर्ट होती थी, गवर्नमेंट का कुछ भी सीक्रेट है या वो है तो वहां था, तो वहां पर ये वर्ड चलता है क्या? ब्लू बुक। क्या चलता है भाई? ब्लू बुक। तो वही ब्लू बुक से इडियम बन गया, और उसका मतलब क्या हुआ? सरकारी रिपोर्ट। लेकिन क्या हमारी सरकारी रिपोर्ट जो होती है वो ब्लू बुक होती है? नहीं, वो तो सर जिल्द होता है, ठीक है, या वो लाल रंग के उसमें कपड़े में वो मुंशी देखते हो बांध के, वो होता है, समझ गई? तो लेकिन ये ईडीएम कहाँ का है? ये अंग्रेजों का है, ठीक है। तो इनकी जो स्टोरी होगी वो होगी, वो भी वहीं से रिलेट करती होगी। क्या बातें आपको समझ में आ रही है? तो आज के बाद क्या कभी भूलोगे ब्लू बुक का मतलब? ब्लू बुक मतलब नीली किताब, और नीली किताब क्या? फॉरनर्स, उनकी सरकारी रिपोर्ट नीली किताब में होती थी, तो वहीं से मुझे याद हो गया क्या? सरकारी रिपोर्ट मतलब गवर्नमेंट की रिपोर्ट। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ब्लू बुक का मतलब सरकारी रिपोर्ट, क्या ये आपको क्लियर हुआ? ब्लू बुक मतलब सरकारी, आपको बोलना है बहुत ही, ये देखिए मैं रियल रियल स्टोरी बता रहा हूँ, इसके पीछे बिल्कुल आपके जो बिल्कुल मतलब के वो स्टोरीज बता रहा हूँ। ब्लू बुक मतलब सरकारी रिपोर्ट, क्या आपको ये क्लियर हो गया? अगले पर चलते हैं, अभी प्रैक्टिस लगाएंगे इसकी, बने रहना, जाना नहीं आपको, ठीक है। अगला क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। शाबाश मेरे जी, तो आप सभी ने बता दिया ब्लू का मतलब क्या है सर? यहाँ आसमान। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करके आए, बड़े ध्यान से समझना है, अभी हम थोड़ी देर पहले समझ कर आए ब्लू का मतलब। एक तो होता है नीला, एक और ब्लू का मतलब होता है क्या? आप ब्लू समंदर को भी बोल सकते हो, ब्लू मूवी देखी थी ना अक्षय कुमार की, तो कहीं ना कहीं ब्लू का मीनिंग क्या है? ये उस मतलब कोई भी नेचुरल ऐसी चीज जो ब्लू से रिलेट करती है, समझ गए? जैसे आप ब्लैक हो गया, एक इशारे दे रहा हूँ आपको कि ईडियम फ्रेज कैसे बनते हैं। मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है, ब्लैक ले लिया, ब्लैक का मतलब ये कहीं ना कहीं डार्कनेस को शो करता है, नेगेटिव चीज को शो करता है, तो ब्लैक को लेकर जो ईडियम बन रहा होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग दे रहा होगा। आप ऐसे निकाल सकते हो, ये सारे आइडियाज मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहो, जो जो चीजें आती जाएंगी मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। यहाँ ब्लू से क्या समझ में आ रहा है भाई? मेरे को ये समझ में आ रहा है ब्लू का मतलब आसमान। क्या है भाई ब्लू का मतलब? आसमान। इंग्लिश वाले बच्चे, ब्लू का मतलब स्काई। क्या इतना सा किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, बोल दो सर कतई नहीं। अब समझो, बोल्ट मतलब, बोल्ट मतलब वो जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, देखा होगा बिजली कड़कती है, बिल्कुल उसी से बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कहाँ से? आसमान से बिजली कड़कना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हर समय आसमान से बिजली कड़कती है? बिल्कुल भी। इसको नहीं देखना, सॉल्यूशन को बिल्कुल नहीं देखना, आंसर को। जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, मैं आपको बच्चों के कमेंट्स दिखाऊंगा मैं आपको, कि बच्चों ने क्या क्या रिप्लाई किए हैं। बच्चों ने बोला सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना, वो रखना, क्योंकि उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हाँ इससे हमारी वोकैब अच्छी होगी, क्लियर है। और आपका कुछ भी सजेशन हो, आपको ये कैसी भी लगे, आप इसमें कुछ अच्छाइयाँ हो बुराई हो, मुझे कॉमेंट्स करके नीचे बताओ। एक एक बच्चे के कॉमेंट में मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। हमें खुद को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार बच्चों को पसंद आ रही है तो इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं, नहीं रिस्पॉन्स आएगा तो क्यों कंटिन्यू रखेंगे, क्लियर है। आपको कॉमेंट, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आपको कॉमेंट तो करना ही है, एटलीस्ट शेयर नहीं कर सकते तो कॉमेंट तो करोगे, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अभी कर दो, बाद में भूल जाओगे, मुझे पता है, ठीक है, जिस एज में आप हो मैं भी वहां था, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब आसमान, बोल्ट मतलब बिजली कड़कना। अब आपसे एक सवाल, क्या आसमान से बिजली रोज कड़कती है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, कभी कभी, तो वहीं से ही आ गया। और जब भी बिजली कड़कती है आपने देखा होगा कि आसमान से बिजली कड़की और वो आदमी की डेथ हो गई, या वो पेड़ गिर गया, या वहां पर आग लग गई, समझ पाते हो? कहीं ना कहीं ऐसे कि वहां पर ऐसा हो गया, ये दुर्घटना हो गई, किससे? बिजली कड़कने से, सुना है सभी ने, बस वहीं से ये इडियम बना है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से जब भी बिजली कड़कती है कुछ अशुभ होता है, या मतलब कुछ नेगेटिव होता है, तो वहीं से ही निकल कर आया क्या? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो आप उसको क्लियरली बोल सकते हो क्या? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आसमान से बिजली कड़क गई, आसमान से बिजली टूट पड़ी। सुना होगा आपने फिल्मों में भी कि भाई आसमान फट गया, ठीक है, इन्हीं के ही ऊपर सारी परेशानियां आ गई। रिलेट कर पा रहे होगे, वही चीजें ये आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। मैं एक नंबरिंग भी डलवाया करूंगा, जितने बार हमें पता चले कि इतने बार एग्जाम में आए, काफी यूजफुल रहता है वो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या था भाई? आसमान से बिजली कड़कना, कहने का मतलब सडनली कोई परेशानी आ जाना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ऐसी परेशानी जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्या बोलोगे उसे? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या याद हुआ? बिल्कुल याद हुआ होगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब ऐसी परेशानी आ जाना जिसको आपने नहीं सोच रखा था, बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था, और वो हो जाना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगला देखते हैं,
अगला ईडियम है ब्रेक द आइस। देखो ये जो ईडियम है ना ब्रेक द आइस, जितने बार एग्जाम है मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आज आप इसको सही करोगे और आपके एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल परफेक्ट नंबर लोगे। ये आपके एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। अगर ये आपके एग्जाम में गलत हुआ तो आप क्या करोगे, पैसे तो दिए नहीं है, आप जो वो रिटर्न करोगे, आप क्या कर सकते हो, आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? चीजें समझो, मैं इतना बोल रहा हूँ, इसके पीछे इतना लॉजिक दे रहा हूँ, तो ये है मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है पर्सनली कि इस तरह से जो ईडीएम आते हैं बच्चे मीनिंग निकाल ही नहीं पाते। जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती उनके लिए बता रहा हूँ, मैं उन्हीं को ही बता रहा हूँ ये चीजें। ब्रेक द आइस, वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चीज का मीनिंग निकाल रहे होंगे। ब्रेक द आइस बर्फ तोड़ना, मतलब कुछ गुस्से का कुछ वो करना या कुछ ऐसा, समझ पा रहे हो? वो कहीं भी इसका मीनिंग ये नहीं निकाल पाएंगे क्या, कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, कि बातें शुरू करना, कि ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। जिसने पढ़ा है जिसको याद है वो तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, आप हाथ पैर मारने की कोशिश करोगे ना क्या हो सकता है, तो वो गलत ही होगा। लेकिन आज आप इसकी स्टोरी समझ जाओगे तो लाइफ में कभी भूल जाओ तो मुझे बताना। क्लियर है? क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनना। नॉर्थ पोल साउथ पोल का नाम सभी ने सुना होगा, अंटार्कटिका। क्लियर है? वहां पर क्या होता है सर, समुद्र में भी बर्फ जमी रहती है, जमी रहती है, लेकिन वहां पर साइंटिफिक रिसर्च होती है, उनको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो शिप के थ्रू जाते हैं। क्लियर है? अब मुद्दा ये उठता है सर, शिप जो है वो तो पानी में तैरती है, जहाज तो पानी में चलता है, लेकिन बर्फ पे कैसे चलेगा? तो उसका आंसर यही छुपा हुआ है हमारे ईडीएम के अंदर। ब्रेक द आइस होता क्या था भाई, मान लो ये पूरा बर्फ का वो है, ये क्या है, बर्फ का पूरा चट्टान है। बड़े ध्यान से समझना, अभी चीजें रिलेट करूंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, और मैक्सिमम बच्चों से यही गलत होता है। अब यहां पर क्या होता था, जो बड़ी वाली शिप होती थी, ये बड़ी बड़ी शिप, ठीक है, इनके पीछे छोटी छोटी शिपें रहती थी जिसपे सामान लोड रहता था। इन शिप का काम क्या होता है, इस शिप का काम होता है बर्फ को तोड़ना, यहाँ पर वो कटर लगे रहते हैं इसमें, समझ रहे हो? तो ये क्या होती थी, ये आगे जाएगा और ये बर्फ है ये इसको ब्रेक करेगी, और जब बर्फ ब्रेक हो गया, आपने देखा होगा अगर बर्फ तोड़ोगे तो पीछे से रास्ता बनता चला जाएगा, जाएगा वहीं से, ईडीएम निकला ही वहीं से आई है। कहने का मतलब, अब एक बात होता, क्या वहां साइलेंट रहेगा? आप बोलोगे नहीं सर, बर्फ जब टूटती है तो एक आवाज आती है, कैसी, कटर 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 कट 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 आती है। बहुत बढ़िया, देखो चीजें समझनी है, बिल्कुल रियलिस्टिक है ये। अब इसमें वो नहीं है, मैं इसके पीछे आपको बोलूं ब्रेक द आइस तो दस टू स्टार्ट कन्वर्सेशन एंड आप जस्ट इसको याद करो, कैसे याद करोगे, ब्रेक द आइस स्टार्ट कन्वर्सेशन 10 बार रिपीट करो, नहीं यार, चीजें फिल्में याद रह जाती है ना, कि हाँ भाई सलमान खान ने दबंग में पीछे चश्मा लगाया था, कैसे याद है, मूवीज वो एक स्टोरी की तरह याद है ना। तो वही चीजें यहाँ होने वाली हैं, क्यों ना पढ़ाई में भी उस कॉन्सेप्ट को डाल दिया जाए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बिलीव करो, एक नया कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा आपको, वो कैब सीखने का नजरिया बदल जाएगा पूरा। क्या है ये, ब्रेक द आइस, मतलब क्या था, ये जो शिप होते थे ये जाते थे बर्फ को तोड़ते थे। अब एक बात बताओ, जब ये शिप नहीं था तो यहाँ पर कैसा माहौल था? आप बोलोगे सर अंटार्कटिका बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं रहता, ना बंदा ना बंदेगी जात। बहुत बढ़िया, तो अब जब यहाँ पर बिल्कुल ही सुनसान रहता था, कोई साइलेंट, बिल्कुल कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं, जब ये शिप जाएगा तो आवाज आएगी कट 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 कट, वहीं से ये ईडियम निकला क्या, ब्रेक द आइस मतलब बर्फ को तोड़ो। कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पर पहले बिल्कुल साइलेंट माहौल था, बिल्कुल साइलेंट था यहाँ पर। बहुत बढ़िया, आप बोलोगे सर बिल्कुल अंटार्कटिका वगैरह कोई लोग नहीं रहता, बिल्कुल साइलेंट, जैसे ही वो शिप गया वो बर्फ को तोड़ने लग गया रास्ता बनाने के लिए, इसलिए रास्ता, पीछे शिप आ रही थी रास्ता बनाने के लिए, तो वहां आवाज होनी शुरू हो जाएगी कट 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 कट, तो उसी आवाज से ये ईडियम बनकर अपना तैयार हो गया क्या, ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। अब इसको डेली लाइफ में सर कहाँ यूज करें, अंटार्कटिका जाएं, बिल्कुल नहीं जाएं, डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज करेंगे, आप किसी ऑफिस में हो, आपका बॉस आया, सारे शांत, साउंड इश्यू नहीं है, क्या हुआ, आप बोलोगे सर ब्रेक द आइस, क्या बोलोगे आप बोलोगे सर कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, सर बोलो तो सही, तो आप क्या बोलोगे, आप इस ईडियम का यूज करोगे, किसका, ब्रेक द आइस, किसका यूज करोगे, ब्रेक द आइस। क्लियर है? मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, चलो भाई लेट स्टार्ट, हम बोलते हैं ना चार दोस्त बैठे हुए, चलो भाई कौन कौन स्टार्ट करेगा, चलो भाई लेट स्टार्ट, कौन करेगा, कौन सुनाएगा पहले, आप, तो हम यहाँ पर इस ईडियम का यूज करेंगे क्या, ब्रेक द आइस, आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, CGL, CHSL, CPO, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, स्टेट लेवल के एग्जाम, यहाँ तक कि UPSC के एग्जाम्स जिसमें वो कैब आती हो, कोई भी एग्जाम जिसमें वो कैब आते हैं, जिसमें ईडियम फ्रेज आते हैं, वहां ये वर्ड्स ही आते हैं, यही रिपीट होते हैं। ये वीडियो स्पेशली CISF के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, टू ऑल, इसीलिए इसको पब्लिक कर रखा है, क्लियर है, वरना इसको प्राइवेट ही रखते।
पब्लिक कर रखे कंप्लीटली। आप भी जुड़े, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जरूरी नहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। अरे अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप भी तो सीख सकते हो, क्या इसमें कुछ ये आ रहा है कि एग्जाम में ये, बस मौक मत लगाना, समझ पा रहे हो? आपको सीखना है भाई, कुछ और देखने से बढ़िया क्यों ना इसे देख लिया जाए और सीखा जाए। क्लियर है? अगला देखते हैं, ब्रेक द आइस, मतलब बर्फ को तोड़ना, आवाज आएगी, मतलब कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। सारे बोलो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ब्रॉड डे लाइट। अच्छा एक बात, डे मतलब दिन, बड़े ध्यान से समझना, दिन, लाइट मतलब उजाला। कहने का मतलब आपने देखा होगा इस सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज देख के आ रही होगी, ये गाड़ी पर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं इसको, मतलब दिन दहाड़े ही, हम बोलते हैं ना दिन दहाड़े चोरी हो गई, दिन दहाड़े उस लेडीज का वो मंगलसूत्र स्नैचिंग हो गई, क्या समझ में आ रहा है? हम बोलते हैं दिन दहाड़े, सर वो दिन दहाड़े जो था वो क्या था, वो यही तो था ब्रॉड डे लाइट। क्या अब आपको याद हुआ? मतलब जो हमारी हिंदी है वो कितनी खतरनाक है, दिन दहाड़े, जैसे कोई एटॉमिक बम गिर रहा हो, दहाड़े, समझ रहे हो, दिन दहाड़े। लेकिन क्या है, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, मीनिंग वही है। क्या चीजें याद हो रही है? दिन दहाड़े मतलब बिल्कुल दिन में ही कुछ ना कुछ जो कांड हो रहा हो, जो चीज, मतलब जो रात के काम वो दिन में ही चल रहे हो, चोरी चकारी हो रही हो, बिल्कुल दिन दहाड़े। कोई किसी को मार रहा है भाई दिल्ली में, भाई बंदूक की गोलियां चल जाती हैं, दिन दहाड़े, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, वो उसको मार रहा है, कोई दूसरे को कुछ देखता नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप वहां यूज करोगे क्या, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े ऐसा चलता रहता है, आए दिन ऐसा चलता रहता है, वहां आप यूज करते हो क्या, ब्रॉड डे लाइट, याद रहेगा। अब मीनिंग पे देखे तो दिन दहाड़े आपको ऐसे याद हो गया, क्या इन डे लाइट, दिन की रोशनी में ही, दिन के उजाले में ही ऐसा काम हो जाना, क्या बोलोगे आप, ब्रॉड डे लाइट। क्या इसमें कोई दिक्कत, क्या इसमें कोई दिक्कत? हम क्या कर चुके हैं, 1 से लेकर 15 तक ईडियम हमने करे थे कवर, किसमें, पहली लेक्चर में अपने, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखेगा मिलेगा, जाओ और देखो। आज हमने क्या करा, 16 से लेकर 30। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। देखो अगर आप सभी यहां तक लेक्चर को अटेंड कर चुके हो तो मेरा मानना यह है कि जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस लेक्चर का, वो अब से स्टार्ट होता है। जी हाँ, ये है क्या, मॉक टेस्ट। कहीं भी नहीं है ऐसा कि आपने सीखा और उसका तुरंत मॉक दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आप सीखो, उसके बाद घर जाके उसको रिवाइज करो, उसको दोबारा पढ़ो, फिर मॉक लगाओ, यही होता है। यहाँ अभी लगाओ और रिजल्ट भी आएगा अभी, ये नहीं कि अभी मॉक लगाओ 10 में से 2 नंबर आ रहे हो, 3 आ रहे हो, ना, 10 में से आप 10 ही लेकर आओगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 out of 10 लेकर आते हैं, अभी सीखते हैं, अभी याद करते हैं, अभी मौक देते हैं, अभी नंबर लाते हैं, समझ रहे हो? आप भी लेकर आओगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, ईमानदारी से बताओगे। देखो वो बच्चे जिनके 10 में से 4 आ गए और उन्होंने बताया सर मेरे 10 मार्क्स आ गए, क्या फायदा, क्या मैं उनको जॉब दे दूंगा कि लो भाई 10 आ गए आप जॉब ले लो? मैं, अगर आप 4 लेकर आओगे तो मैं कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप ऐसे करो ऐसे करो। क्लियर है? आपको बताने मैं एक एक बच्चे को कमेंट करूंगा। क्लियर है? आपकी मेहनत में कुछ कमी होती है तो मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, अगर आप बिल्कुल रियल बने रहेंगे हमारे साथ तो। क्लियर होगी बात? 10 नंबर का मॉक टेस्ट है, सभी लगाएंगे और बड़ी ईमानदारी से इसके जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 5 से 10 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, बिल्कुल ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्लू ब्लड। सर ब्लड कैसा होता है? चलो मैं नहीं बता रहा, आप ही इसका आंसर दो। टाइमर चला दे, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम अप, 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, क्या इसका आंसर है? सभी ने कर दिया होगा, बहुत बढ़िया। अपने माइंड में रखना है इनके आंसर, अपने माइंड में रखना है। देखो मैक्सिमम सही होंगे, एक आधा गलत हो सकता है, उनको गिनना के गलत कितने हैं, 10 में से उतने घटा दिए, उतने मार्क्स आए, नीचे कमेंट करके बताओगे इतने मार्क्स आए। क्लियर है? लेक्चर 2 है, 1 जरूर देखना है। क्या बोला मैंने, ब्लू ब्लड, अभी हम पढ़कर आए थे, ब्लू ब्लड मीनिंग क्या हो जाएगा, हाँ, फेवरेबल अटेंशन नहीं, रॉयल पर्सन बिल्कुल, क्या सी और डी चेक करोगे? नहीं। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर देखा वो मेरी बात समझ गए होंगे कि सर सी और डी को क्यों चेक नहीं करेंगे, यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, मेरे सारे लेक्चर प्रीवियसली मतलब पूरी तरह से रिलेट रहते हैं, ठीक है। हर लेक्चर में आप कुछ नया सीखोगे, हर लेक्चर में कुछ नया सीखोगे। क्लियर है? 20 सवाल का आंसर हो गया, जैसे आपने देखा रॉयल पर्सन, ना आगे पढ़ने की जरूरत, ना ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने की जरूरत। क्लियर है? क्या उत्तर हो जाएगा, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 सेकंड में चुप रहूंगा, आपको आंसर लगा देना, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के ये हैं आपके क्वेश्चन आए हुए। बेल द कैट, घंटी कौन बांधेगा? देखो भाई क्या हो सकता है, सर मेरी सीधे नजर गई किस पर, ऑप्शन नंबर सी पर, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, पहला स्टेप लेना अपने रिस्क पर, सी सवाल का उत्तर। क्या टाइम लगा, ईमानदारी से बोलना क्या टाइम लगा, और
इन ईडियम्स को छोड़ो, आप अपनी बुक उठाओ और उसमें से ईडियम को याद करो। मैं कह रहा हूँ मैं तो 15 करा रहा हूँ, आप 10 याद करो और 10 का फिर मोक लगाओ। आपके माइंड में एक स्टोरी बन गई है, आप खुद देखो बचपन की कहानी आपको याद है, कैसे याद है? उसके पीछे यही लॉजिक है। इतनी बचपन में मेमोरी शार्प थी क्या, इतने बादाम खाए? नहीं, वो जो एक साइकोलॉजी चल रही है मैं उसी पर लेकर आया हूँ, और वहीं से आपकी चीजें बहुत खूबसूरत करता चला जाऊंगा। तीस सवाल का उत्तर हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू, कैसा मारना है? ऐसा मारना कि वो काला नीला पड़ जाए, मतलब बहुत कम या बहुत ज्यादा मारना? आप बताओगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। क्या हो जाएगा इसका? ए सवाल का उत्तर है सर। क्या बीटिंग? कैसा? हार्टलेसली, मतलब बिल्कुल दिल में दया ना आना, इस तरह से किसी को मारा गया। ये कहीं ना कहीं इसका मीनिंग रिलेट कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। क्या ऑप्शन बी चेक करोगे? नहीं। क्या सी चेक करोगे? नहीं। क्या डी करोगे? नहीं। जो बच्चे अब यहाँ से दो तरह के मेरे बच्चे बनने लग जाएंगे, बिल्कुल दो तरह के। कैसे? पहले बच्चे वो होंगे जो मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे, ए आंसर है तो बी सी डी नहीं हो सकता। दूसरे बच्चे जो ओवर स्मार्ट बनेंगे वो क्या करेंगे, ए सवाल का आंसर है ठीक है, बी भी देखेंगे, सी भी पढ़ेंगे, डी भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आप टाइप 2 में लाई करते हैं, टाइप 1 में लाई करते हैं, डिसीजन आपका है, ये भी कमेंट करके बताना। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्ड ऑफ पैसेज, साइबेरियन बर्ड्स, कभी कभी आने वाला। अब बस समझ जाओ, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आपको बताना आंसर क्या होगा। क्या होगा भी बताओ, टाइम अप। ए वन वंस फिंगर, देखो इसका भी बड़ा ही खूबसूरत ईडियम है, अभी नहीं बताऊंगा, ईडियम को आने दो। अब मैं एक्स को ऐसे भी पढ़ा सकता था आपको कि इस तरह से ऑप्शन दे दिए, इस ये मिला, इसका आंसर था सी है, क्या जो कभी कभी आता हो, ओकेजनली आता हो, सी आंसर है। और फिर मैं आपको बोलूं कि ये भी एक ईडियम होता है ये रहा, ये भी एक ईडियम होता है ये रहा, ये भी एक ईडियम होता है ये रहा, वो तरीका सही है। लेकिन ये तरीका जब सही है जब मैं आपके प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ, जब मैं 100 100 ईडियम्स आपको एक साथ दे रहा हूँ और आपका प्रैक्टिस चल रहा हो, पहले सीख तो लो भी, पहले सीख तो लो। सीखने में टाइम लगता है, बाद में टाइम नहीं लगता। क्लियर है? सीखने में ही तो टाइम लगता है। आपको लगता है ना कि मोदी जी पीएम बन गए, तो वो ऐसे ही थोड़ा बन गए, उसके पीछे की बहुत कड़ी मेहनत है, समझ लो बहुत मेहनत है, वो उस तभी तो यहाँ तक आए हैं, तभी तो वो बना है। सबको ये दिखता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। एग्जाम्पल एक मैं एक मोदी जी का दे रहा हूँ, अब आप इसको पॉलिटिक्स से रिलेट मत करना। कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में, कोई भी पर्सन जो सक्सेसफुल हो गया, ऐसे ही नहीं बन जाते। सक्सेस जो है वो कोई भी लक पे डिपेंड नहीं करती, मेहनत होती है उसके पीछे। किसी को मेहनत नहीं दिखती, सबको बस ये आउटकम दिख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ले लो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत की है हमने ये सारा सेटअप बनाने में, सब करने में, किसी को ये नहीं दिखेगा। सबको ये दिखेगा कि हाँ ये चल रहा है, ये एडमिशन है, ये एक्स वाई जेड जो भी हो गया, समझ रहे हो? तो वो चीजें, तो ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, क्या कि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अभी फटाफट से सीखते जाओ, बाद में टाइम आएगा जब हम उसको भी कर रहे होंगे। जुड़े रहो, चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। अगला उठाते हैं, अगला क्या है? बर्ड्स आई व्यू। क्या था भाई बर्ड्स आई व्यू, आप बताओगे? क्या सर मैंने डी पे नजर गई मेरी, क्या ओवरव्यू? इस सवाल का उत्तर समझ गए ना, बर्ड्स आई व्यू मतलब पक्षी के द्वारा देखा गया नजारा कैसा था। ओवरव्यू होता है, अगर आप पक्षी होते हो और ऊपर से देखोगे तो आपको ओवरव्यू दिखेगा पूरा, तो वो क्या हो गया बर्ड्स आई व्यू, मतलब ओवरव्यू। इंजर्ड होगा? नहीं। अनवेल होगा? नहीं। कहां से होगा अनवेल, बच्चे तुक्का लगा रहे होंगे, आपको नहीं लगाना। अगला करते हैं, ब्रेक द आइस, बता दो ब्रेक द आइस क्या होगा भी, बताओ बताओ बताओ। आप बोलोगे सर द स्ट्रॉन्गर वन, नहीं हो सकता। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, आंसर सी चेक नहीं करूंगा, डी चेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सर ने बताया नहीं करना तो नहीं करना। क्लियर है? आंसर क्या हो गया? इस सवाल का उत्तर हो गया टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आप खुद टाइम लगा करो, आपको बस पढ़ना है, आंसर आते ही टिक कर रहे हो, सेकंड्स में आंसर आ रहे होंगे आपके, मतलब लगाते रह जाओ मिनटों तब भी आंसर नहीं आता और गलत कर जाते हो, यहाँ एक भी गलत नहीं होगा। ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट अभी एक समझाया था आपको, अब आपका काम है इस पे प्रदर्शन करना। क्या था भाई? इन डे लाइट। 20 सवाल का उत्तर डायरेक्ट दिख रहा है, अब आप ABCD भी मत चेक करो, एक नजर मारो ABC पर, सीधा आपके लैपटॉप पर कंप्यूटर पर जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखोगे ना, आपको आंसर, आपकी जो नजर होगी ना, आप इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी PDF के थ्रू इन चीजों को देखकर, डेली देखकर इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे कि आप हल्की सी उसमें ही आंसर निकाल दोगे। भाई निकाल देते हो? नहीं। अब मान लो मैं आपको पिक्चर दे दूं, किसकी?
समझ गए होगे, मैंने आपको पिक्चर दी लेकिन पूरी नहीं दी, मैंने बस आपको ये इतनी पिक्चर दे दी आंखों आंखों की। तो आप आंखें देख के बता दोगे ना सर ये मेरा है या ये मेरी है, क्या मेरा मेरी है पिक्चर, ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी पिक्चर है, क्लियर है? तो कैसे पता चला? वही मैं बता रहा हूँ, ये चार ऑप्शन है ना, ये चार ऑप्शन पे बस एक नजर मारो आपको सीधा दिखेगा क्या, इन डे लाइट, दिन दहाड़े, हाँ यही तो होता है ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े 72, ना ये चेक करो ना सी ना डी, क्लियर है? ये चीजें अपने आप बनने लगेंगी जब आप इनसे 10 बार 20 बार इनको देखकर गो थ्रू हो जाओगे, जो मैं आज बता रहा हूँ आपको खुद दिखने लगेगा। अभी बस ए बी सी डी चेक करो, जो आंसर है बस खत्म, किस्मत अच्छी हुई ए मिला खटक, डी मिला तब भी कोई बात नहीं, आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, आई होप कि अभी तक आपका एक भी गलत नहीं हुआ होगा, एक भी गलत नहीं हुआ होगा, अगर बिल्कुल ध्यान से बातें सुनी होंगी और समझी होगी। अगला ब्लाइंड एली, देखते हैं आंसर आ रहे होंगे क्या है भाई। ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है, एली होता है गली, ब्लाइंड मतलब बंद, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे प्रोग्रेस ना हो, बहुत बढ़िया। क्या है, टू कैच फायर, क्या दे दिया सर कुछ भी, मतलब इतना इतना वो इतना सस्ते में ले लिया क्या, नहीं होगा। अगला, हाँ नहीं होगा। सी अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस, इस सवाल का उत्तर क्या, कुछ दिक्कत है? डी मैं चेक नहीं करूंगा, बी मैं नहीं देखूंगा, ठीक है? क्या था, द डिस्ट्रक्शन। देखो चीजें ना आपको पढ़ने में ही आ रही होंगी, आपने देखा ब्लाइंड एली मतलब बंद गली जिसमें आगे कोई रास्ता ना हो, तो आप क्या देखोगे, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज दिखेगा, ये वर्ड प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस देख के वर्ड जो है रिलेट होने लगेगा। ये चीजें जब आप 2 4 बार इनसे गुजर जाओगे ना, पीडीएफ डाउनलोड करना, उस पीडीएफ को डेली देखा करना, डेली देखो, आपको चीजें बार बार आने लगेंगी माइंड में, और यही पेपर में आता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या था, आपको पता है कैसी बुक होती है, क्या होता है सर? सी मैंने देखा, गवर्नमेंट रिपोर्ट, सी सवाल का उत्तर, ना ए देखूंगा ना बी ना सी ना डी, सॉरी क्या हो जाएगा इसका, ब्लू बुक, गवर्नमेंट रिपोर्ट, क्लियर है? बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन, बाइट द डस्ट, फूल चटा देना, क्या होगा इसका मीनिंग बता दो भाई। टू बी डिफीटेड, आपने ए चेक करा ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, बी चेक करा टू बी डिफीटेड आंसर है, क्या सी चेक करोगे बोलोगे नहीं सर, क्या डी चेक करोगे बोलोगे नहीं सर, मैं बोलूंगा क्यों सर, आप बोलोगे आंसर ही आ गया मेरा इसलिए नहीं चेक करूंगा, क्लियर है? 10 की 10 आपने करे, आपने क्या करा, आपने 10 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दिया जिसमें से आपने 15 सीख लिए, उनमें से जो 10 बेस्ट थे मैंने उनका मॉक टेस्ट लिया, आपको बताना आपका स्कोर क्या रहा। अगर आपका स्कोर 1 है, अगर आपका स्कोर माइनस में है, अगर आपका स्कोर 10 है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताओ, एक एक बच्चे पर काम करूंगा, एक एक बच्चे पर, लाखों जुड़ो हजारों जुड़ो सब पे रिप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर आगे आते रहें, तो इस लेक्चर को शेयर करना, शेयर ही करना, क्लियर है? ये नहीं कि आप सब्सक्राइब करके छोड़ दो या कॉमेंट करके छोड़ दो, ठीक है? इस लेक्चर को शेयर जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। चलिए टिल देन मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, चीजें इसी तरीके से आएंगी, बेहतर ढंग से आएंगी, क्लियर है? मिलते हैं अगली वोकैब की सीरीज में, टिल देन बाय।